वेलकम बैक जनाब प्रोग्राम मेरी कामयाबी में हम फिर आपके साथ मौजूद हैं और अब जानते हैं इनसे कि लाइफ में क्या बनना चाहते थे जो नहीं बन सके, लेकिन अब जो है उस पर भी अल्लाह का बहुत करम है। जी बिना क्या बनना चाहती जो नहीं बन पाई और अब जो है उस पर अल्लाह का बहुत शुक्र है। लॉयर बनना चाहती थी, लॉयर बनना वकील। सही। तो वजह क्या थी कि घर में बात नहीं सुनी जाती थी या स्कूल में लोग कहते कि गलत बोल रही है बीना, तो आपने कहा कि मैं वकालत डिग्री लवाऊंगी तो अब काम तो लोग हो बोलते हैं मुझे और मैं रियली कि मैं शॉक्ड हो जाती हूँ अभी, यानी ऑफ एंड ऑन मैं सुनती रहती हूँ तुम्हें वकील होना चाहिए था, जाएगा। ये तो मैंने भी आपको पहले प्रोग्राम में कहा तुम्हें था वकील, अच्छा तुम्हें वकील होना चाहिए था। बीना बोलने नहीं देती थी, आज तो बहुत अच्छा बोलने दे रही है। तो पहला प्रोग्राम था, बीना को मैंने हाथ जोड़े थे, बीना मुझे भी बोलने दे, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो बीना अब जो है सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अब बहुत खुश हूँ मैं। माशाल्लाह। जी हमार जी क्या बनना चाहते थे जो नहीं बने, लेकिन अब जो है वो अल्लाह का करम है कि आप जिस हिस्से में बेसिकली मैं जो है वो डॉक्टर बनना चाहते फील्ड थे। में लगा हुआ था, क्योंकि जब क्योंकि हॉस्पिटल भी एक तरह से डिस्पेंसरी वगैरह जो ना वो खिदमत आफ्टर है सक्सेसफुल, मेरे वाले साहब जब सक्सेस हुए तो उन्होंने ये सब काम ट्रस्ट पे किया सही लोगों के लिए फ्री, जो अब तक भी है सही। जी। तो उसमें जो है वो नर्सिंग वगैरह यानी कि बैंडेजेस वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा के ना कुछ शॉक्स आया, तो उसके बाद मैंने चलो इंटर में ये फर्स्ट ईयर से डायरेक्ट बायो वगैरह इसमें साइंस में जाएंगे, तो साइंस डॉक्टर का बहुत शौक था लेकिन अफोर्ड नहीं था, सही, अफोर्ड नहीं नहीं कर अफोर्ड नहीं सकते करते थे। सही। तो बाकी मैंने जो है मैंने आपको बताया कि मैंने आईटी का कोर्स किया था, तो इसमें से मुझे बहुत फ़ायदा मिला कि वो जो मेरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंटर में मुझे उसने बहुत हेल्पफुल दिया, सही तो जब इसने हेल्पफुल दिया तो मैं इंजीनियरिंग आ गया सही। जी। और आपने उसको कैरी ऑन रखा। अच्छा जी मुझे भी बड़ा मतलब फैमिली एडमायर होकर मुझे, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको पहले दिन की बात बताऊं, क्योंकि तीन तीन चार चार दिन नाइन्थ क्लास में देते हैं सबको कि जाए आप अपना देखें, तो मुझे वो ऑनेस्टली वो वेन्स ही नहीं समझ आ रही थी कौन किधर जा रही है। तो मैंने कहा आई एम नॉट द पर्सन हु जस्ट गो थ्रू विद द बायो सेक्शन, तो मैं फिर जो है वो इंजीनियरिंग साइड पे आ गया। अच्छा जी अब माशाल्लाह लाइफ में काफी सक्सेस देख ली आप लोगों ने और आप स्टिल गोइंग ऑन रहता है सक्सेस का जो आपका सफर है, कंजूस है या शाह खर्च हो गया? शाह शाह खर्च है मतलब मियाँ की सारी कमाई बर्बाद कर देती, मैं ये कह सकता। बहुत ज्यादा शाह खर्च नहीं हूँ, अच्छा अपने मामले आप तो में नहीं अपनी हूँ, बात हो। अच्छा अपने मामले में बहुत ज्यादा शाह खर्च नहीं हूँ, सेक्रीफाइस कर लेती हूँ। सही हाँ जैसे कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, कोई किसी ब्रांड का जोड़ा, बहुत आपको पता है खवातीन की नेचर होती है, बस दिल में बस गया तो बस गया, हाँ, लेकिन मैं सेक्रीफाइस कर लेती हूँ। मतलब आप 5-6 नहीं लेती, 2-3 में गुजारा कर नहीं लेती मैं हैं। नहीं लेती, मैं कहती हूँ कोई बात अच्छा नहीं, इंगेज टू कम इंशाल्लाह ले लेंगे, अच्छा जबरदस्त। तो फिर शाह खर्च कैसे हुए? मतलब मैं कंजूस नहीं हूँ। कंजूस इन व्हाट सेंस? मतलब आप आउटिंग पे जाना ज्यादा पसंद करती हैं या आप नहीं घर पे रहकर खाएंगे तो बचत हो जाएगी, क्या करते हैं? मैं कंजूस भी नहीं हूँ, मैं बहुत शाहखर्च भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ मामलात में आप मुझे शाहखर्च कह सकते हैं, सही यानी मैं देने में मेरा हाथ काफी खुला है। ऐसी सही बातें वैसे कहते नहीं है, कहने नहीं चाहिए, मैं भी इस चीज को पसंद नहीं करती, लेकिन अब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि मतलब आप तोहफे तहाइफ में भी हैं हाँ कि मैं आप बहुत, मुझे अच्छा सही लगता है, सही तोहफे मुझे देना। गिफ्ट देना, मैं हाँ ईद में बकरीद में मैं गिफ्ट देती हूँ, मुझे अच्छा अच्छा लगता मतलब है। मेरा नंबर आप लिख लीजिएगा ईद आने वाली। हाँ जी जी आप हमारा शाह खर्च हैं, सोच के खर्च करते हैं क्योंकि आपने भी लाइफ में काफी चीजों को देखा है, तो अब क्योंकि आपके पास माशाल्लाह अभी रिसेंटली आपने एक अपने ऊपर खर्चा किया है, अच्छा मैं ऑनियर तो नहीं बताऊंगा लेकिन बाइक सर ने एक अपना शौक पूरा किया, तो मुझे ये जी बताइएगा कि अब क्या है शौक खर्च है या संभाल के पैसे को खर्च करें? बिल्कुल, बचपन से ही जो है वो इतना ज़्यादा हमें नहीं था कि पैसे इतने मिल गए कि 100, या अब पहले तो इतने पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत होती कि 100-150 की भी सही तो सही बहुत कुछ कर लेते थे हम, तो अब तो 1,000 रुपये भी 5,000 रुपये भी बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल 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 कंजूस तो नहीं रहे लेकिन अभी भी किसी को देखते हैं जाते हुए, अब अपने ऊपर तो छत है अल्लाह ने दी हुई है, तो अब जो कंजूसी पना इसलिए नहीं क्योंकि औरों को देखते हैं जो झोपड़ियों में अभी भी बैठे हुए हैं तो सही उनका क्या हाल होगा, तो हम उनसे बेहतर हैं तो उसमें अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात यह है कि पैसे जो आते हैं तो वो मैं अपने पास रख लेता हूँ लेकिन कुछ अगर मुझे शौक होता है तो मैं उसको भी देखभाल के यानी कि आगे के लिए बचा करता हूँ, कोई मुश्किल वक्त नहीं है पैसे काम यूटिलाइज आ जाए। करते हुए आप सोचते जी हैं कि बिल्कुल कल भी आनी जी, है। अगर किसी को कोई मसला है जैसे कोई फ्रेंड हो या मेरी वालदा है मेरी सिस्टर है कुछ कोई ज़रूरत होती है तो जाहिर सी बात है उसको कोई ज़रूरत है प्रॉब्लम है तो मैं दे दे देता हूँ, देते हैं क्योंकि एक फ़ायदा यहाँ से अगर वालिद से नहीं तो भाई तो है। जबरदस्त, ये माशाल्लाह चीज होनी चाहिए। और कहते हैं कि अगर मिल बांट कर लड़के जो घर के होते हैं ना मेल सेक्शन जो होता है वो ये सोचने लग जाए तो घर में कभी तंगी नहीं आती। अच्छा जी लाइफ में आपके पास जिंदगी में माँ बाप बहन भाई मियाँ बच्चों के अलावा लाइफ में एक ऐसा शख्स, वो मेल है या फीमेल है व्हाटएवर, एक होता है जिससे आप जिंदगी हर बात शेयर करते हैं
और उसको आपकी अच्छाई बुराई सब पता होती है, लेकिन वो फिर भी आपके साथ होता है या होती है। कोई है लाइफ में ऐसा बंदा बिना के? कौन है? एक से ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन एक होता है जो बहुत नियरेस्ट होता है, एक चलिए ठीक है, मैं एक के बारे में बताती हूँ। वैसे मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी कितने हैं लकी वैसे? के नंबर बता दें, लेकिन एक के बारे में थोड़ा समझाना चार चाहिए। पांच तो हैं मेरी चार लाइफ में पांच हैं, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है। मैं और बहुत सबसे रिच नियरेस्ट हूँ। किसके हैं? लेकिन जो मेरी एक छोटी सिस्टर है, से हैं? हालांकि एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैं सेकंड हूँ, वो फिफ्थ नंबर पे सही। है, लेकिन उससे मुझे बड़ी ताकत, मतलब, और मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी मसले पे मैं परेशान हूँ, मुझे 10 लोग समझाएंगे, मुझे सही समझ नहीं आएगा, सही बट उसको अगर मैं कॉल कर लूंगी और वो मुझे समझाएगी, मुझे समझ आ जाती है उसके बाद। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन ये बहुत छोटे से है। सही बहुत सारी फ्रेंड्स भी सही हैं, मैंने कहा ना कि मेरी जिंदगी में एक से ज्यादा हैं, सही हस्बैंड से भी शेयर करती हूँ, हर सही बात बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ अगर आप एक की बात करेंगे तो मैं नाम लूंगी जूबिया का, जूबिया का नाम है। जूबिया चलिए जी, का, जूबिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी सिस्टर को हिम्मत देती हैं और जूबिया उनको रजा। सही, जूबिया रजा, तो आपके लिए थैंक्स टू यू जी। हमार जी तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसके आप बहुत ज्यादा करीब हैं? उसको ये भी पता है कि हमारे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, लेकिन हम खाना खाने जा रहे हैं, हमार खाना खिला रहे हैं, लेकिन पैसे पढ़ के वो देखो कि हमार की जो इज्जत नफ्स है उस पर ठेस ना। देखें, जो मेरे जो भी मेरे लाइफ में जो मेरी बात होती है वो मेरे वाले साहब तो नहीं इस बात को, वो मेरे वाले साहब कुछ और माइंड के हैं, बड़े माइंड के। तो जो मेरी वालदा है ना, वो मेरी हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, मेरी सही हर फीलिंग समझती हैं कि मेरा सही बेटा क्या कहते हैं क्या चाह रहा है, और खाने में क्या उसको पसंद है और क्यों नहीं खा रहा, इस चीज़ में भी मेरी वालदा ने बहुत साथ दिया। दूसरी जो दोस्त जितने भी हैं, बेसिकली वो खाने जाते थे तो अब मैं वैसे नहीं खाता बिना सही पैसे दिए, सही मेरी आदत है शुरू से। अच्छा अगर वो पैसे दे भी रहे होते तो मैं निकाल के अपने वैसे रख देता, मैंने भाई ये ले लो। अच्छा मतलब आप यकजहती में नहीं रहा, मैं नहीं नहीं अलहदा खाऊंगा भाई, मेरा सही है काम सर। नहीं नहीं अलादा नहीं, अगर वैसे भी अगर कभी भी खाने गए, यानी कि फैमिली, अगर जैसे कल रात को भी अगर खाने गए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो था वो मैं बोलता हूँ बस चलो, मतलब सही, खुद से ही उनको। मतलब मैं फैमिली के नहीं, मैं फ्रेंड्स के हवाले से पूछूं, फ्रेंड्स कोई के अलावा ऐसे जो दोस्त जिसको हो। ज़्यादा मेरे बारे में सबसे ज़्यादा मालूम है उसकी उनकी बात मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ, वो मेरे वाले साहब के दोस्त हैं बहुत पुराने, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी उनसे पहले के, तो उनका नाम तला मुनीर है, बिल्कुल हमारे घर के साथ रहते हैं, वो आलम दीन है, मुफ्ती माशाल्लाह हैं बहुत माशाल्लाह बड़े, तो वो बिल्कुल भाइयों की तरह, सही भाई दोस्त सब समझ के मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, और वो बिल्कुल मेरे हर सही एक बात सजेशन जान देते देते हैं हैं। वो जी आपको, बिल्कुल, ठीक है उनके जनाब। सजेशन बहुत अच्छे हैं। और कहते हैं कि आपका को जो मुहाफिज होता है या आपको जो सिखाने वाला होता है, अगर वो सही रास्ते पर है तो आपका गलत रास्ता भी सही हो जाता है और आप अच्छे काम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ड्रेसिंग कैसी पसंद है हम आपको, शलवार कमीज पहने, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी प्राउड टू बी दैट, हमारा हाँ, शलवार कमीज हमारा कल्चर, तो कैसी ड्रेसिंग पसंद है? ज़्यादातर शुरू से पैंट शर्ट ही पहनते थे, लेकिन जब दीन इस्लाम की थोड़ी सी फील्ड में आया तो शलवार कमीज़ पहनी, और पैंट शर्ट तो बिल्कुल ही दूर हो गई थी। तो सही अब थोड़ा सा लाइफ में जब अपग्रेड हुई है तो इस तरह अब पैंट शर्ट आ गई दोबारा, लेकिन जो मुझे पसंद है वो है कि जो पजामा और कुर्ता नहीं होता सही बिल्कुल देसी स्टाइल हमें पसंद जी, है, क्योंकि आपको क्योंकि दुनिया के साथ जब मीट करने के लिए आपको ये चीजें पहननी पड़ती है, पैंट जी शर्ट्स जी हो गई या ये बिल्कुल चीजें हो गई आपका, तो आपको जी बीना, बीना को कैसी ड्रेसिंग पसंद है? मशरकी लिबास ज्यादा पसंद है या वेस्टर्न में बीना कंफर्टेबल रहती है? मैं अकॉर्डिंग टू फैशन चलती हूँ, लेकिन अच्छा हाँ अपने लिमिट्स में रहते हैं। सही। हाँ नहीं लेकिन एक चीज होती है ना कि अबीना को नहीं, फ्रॉक्स मैं हर पसंद तरह के है। कपड़े पहनती हूँ। अच्छा, हाँ मतलब दिल पे कोई नहीं कि मुझे फ्रॉक पसंद है, ना मुझे ना चूड़ीदार पजामा पसंद है, या नहीं मुझे नहीं वो नहीं लहंगे जो भी वगैरह? फैशन में होता है सही मैं वो ही पसंद करती हूँ, जो फैशन जो इन होता है। सही। ग्रेजुअली अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कलर लविंग्स हैं या नॉर्मल बस ठीक है जो भी कलर 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 लविंग है? लविंग हाँ जी, जी बिल्कुल कलर कलर लविंग है। लविंग। अच्छा जी, और जिंदगी का कोई ऐसा वाक्य है जो आपके साथ गुजरा हो, दोनों के साथ, दोनों से कंबाइन सवाल है, लेकिन वो आपको एक सीख दे के गया हो, कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, ये कोई ऐसा वाक्य लाइफ में हुआ है? हम पहले आपसे पूछ लेते हैं कि कोई ऐसा वाक्य है लाइफ में कि जिसने आपको सिखाया हो कि नहीं हमार इसके बाद भी जिंदगी है या इसके बाद भी आप कुछ कर सकते। जी बिल्कुल, मैं उसको अब आप किस डायरेक्शन में पूछना चाह रहे हैं मैं नहीं मतलब समझ आपको रहा। सीख देने वाला मामला, मतलब आपको किसी बंदे से हुआ हो, हालात ने कुछ ऐसा सिखाया हो, या आपकी अपनी आदत, जैसे कि मेरे अंदर, मैं अपनी बात करूं कि मैं हर एक के आगे बोलना अपना फखर समझता था, ठीक है, और गुस्सा मेरे नाक पे होता था, और जब मेरे भाई की डेथ हुई उसने मुझसे बात करनी चाहिए और मैंने बात नहीं की, आज तक उसका मलाल है। तो वो चीज मुझे तोड़ दो कि एटलीस्ट सुनो,
अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनो। तो ये सीख मुझे मेरी ही आदत देख कर गई। तो इस तरीके से कोई इम्तिहान आपकी जिंदगी में आया हो? जी बिल्कुल आया। पहले तो अपनी फैमिली रिलेटिव में ही हो गया था, सही क्योंकि जो फैमिली रिलेटिव थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ बुरा किया, क्राइसिस में हमें डाल दिया। सही तो वो उस चीज़ में बहुत सीख दिए कि जो अपनों से तो ज़्यादा गैर ही बेहतर होते हैं। बेहतर है, अच्छा, बहुत ये ज़्यादा, आपका कहते हैं हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट बहुत होता है ज़्यादा। लाइफ के लिए, तो मैं किसी को एग्री या डिसएग्री नहीं करूंगा। जी भी ना, लाइफ ने कुछ सिखाया, कोई ऐसा वाकया लाइफ का? लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, सही, पहली बात तो ये। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, मैं किसी एक को तो उसका कभी मुझे बिल्कुल भी मेरे सुनाने का उसमें नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं एतबार बहुत जल्दी कर लेती हूँ। जो नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, बहुत दफा मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई गई अच्छा, एतबार को डिफरेंट ठेस लोगों ने। जो पहुंचाते हैं वो मतलब आपको बहुत कम टाइम में पता लग जाता है कि ये मुझसे फायदा उठा मुझे रहा देर है, से पता चलता देर से है। पता लगता है। ठीक है, तो मतलब आप ज्यादातर, आपको धोखा किस चीज पर हुआ? मतलब मैं आपको खोलूंगा, इन टर्म्स ऑफ फैमिली हुआ, इन टर्म्स ऑफ मीडिया हुआ, या इन टर्म्स ऑफ आपकी कोई फ्रेंड चीज, जैसे सर्कल फ्रेंड सर्कल्स में? तो मतलब आप वो किटी पार्टी वाली अच्छा चले, अब दोनों से कंबाइन सवाल और है, और उसके बाद फिर हम टूवर्ड्स टू एंड ऑफ द प्रोग्राम जाएंगे। तो राजदार है भी ना या नहीं है, या अच्छा लगता है कि किसी की बात पता चले तो उसको गॉसिप न उड़ाए? ना, राजदार है, पक्की बात है, राज हाँ रखनी है। पक्की बात। तो आप? नहीं बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि अगर किसी की बात हमें पता चली है तो उसको हम अपने हद तक ही रखें, आगे तक पहुंचाना तो वैसे भी मना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि सही जब अगर तुमने किसी का राज फाश कर दी, क्योंकि मैंने तो ये अभी तक तुम्हारा राज फाश नहीं किया दुनिया के सामने, सही, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो क्यामत वाले दिन आपका ये राज सबके सामने आ सुभान जाएगा। अल्लाह। यही कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला हमारे इतने ऐबों पे पर्दा डालता है कि जी अगर अल्लाह ताला हमारे इज़ा को बोलने की ताकत दे तो हमें इज़ा बोलने लग जाए और हम फिर वहां खड़े ना हो सके। अच्छा जी, बिल्कुल। अपने लिए टाइम निकालती हैं बिना? टाइम निकालती है, उसमें क्या करती हैं? वो सैलून चली जाती हैं, जिम जाती हैं, फ्रेंड सर्कल्स में चली जाती हैं, शॉपिंग पे चली जाती हैं? अपने लिए जो टाइम होता है उसमें बिना क्या करना पसंद करती हैं? फ्रेंड्स फ्रेंड्स में जाती हैं? फ्रेंड्स है, सलून भी जाती हूँ, सही, जिम नहीं जाती। फ्रेंड्स जिम नहीं जाती हैं? फ्रेंड सर्कल है मेरा माशाल्लाह काफी सही बड़ा है, जो लोग सही मुझे जानते हैं सही उन्हें पता है, और इतना बड़ा है कि उनको ही टाइम बाजू का अब मतलब मैं उस स्टेज पर हूँ कि मुझे कंप्लेन्स आती हैं सही। तो वीडियो कि कॉल करके बात कर लेंगे? तुम बदल गई हो। हालांकि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद मसरूफियत ज्यादा हो गई हो। तो आप एक काम किया करें ना, वो चेहरे वाली किताब फेसबुक पे लाइव आ जाकर, मैं तुम्हारे लिए भी हूँ, तुम्हारे लिए भी हूँ, सबके लिए हूँ, तो सबको एक मैसेज डाल दें कि मैं कल लाइव आने वाली हूँ, सबसे मिलूंगी। तो वो भी हो जाता है मुलाकात। आजकल तो बहुत बहुत सारे तरीके तरीके कार हैं, हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, व्हाट्सएप पे ज्यादातर होता है, सही, लेकिन ये कि हाँ फ्रेंड सर्कल है जो जहाँ से वो कहते हैं ना ताज़ा हवा वाली खिड़की, हर किसी की जिंदगी में खिड़की होनी चाहिए सही, जहाँ से फ्रेश एयर आए, जहाँ पे कोई परेशानी ना हो, जहाँ पे बस आप सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करें, अपने मसाइल कहीं पीछे रह जाए। तो मेरी जिंदगी में है खिड़कियाँ, सही, वो एक खिड़की रेडियो है, सही, एक खिड़की जो है वो दोस्त मेरी फ्रेंड्स हैं, सही, और एक खिड़की और भी है, शायरी की भी तो खिड़की है। शायरी की खिड़की। चले हम वहां से जल्दी पूछते हैं, उसके बाद खुदाफिज करेंगे। हमार जी, आपकी, आपने लिए टाइम निकालते हैं हमार? जी बिल्कुल और निकालता वो जिम हूँ में आते हैं जी, आपका? जिम में आता हूँ, उसके अलावा जो है वो अपने आप को मसरूफ रखता हूँ स्टडीज में, सही, क्योंकि स्टडीज में मसरूफ रखने की अपना आपका इल्म बहुत ज्यादा बढ़ता है। सही। तो आप तो मुझे जिम का ही वो आपको है। जिम का जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह आपसे भी यही वादा करते जाते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में जो लोग होंगे वो भी आपको सीख दे कर जाएंगे। प्रोग्राम का मकसद ही बेसिकली है कि आप लोगों से कुछ सीखे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।